डिप्टी सीएम केशव मौर्य रविवार को आगरा पहुंचे। उन्होंने नगर निगम सभागार में क्रम में विकास की योजनाओं को लेकर अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। मीडिया से बातचीत में सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सपा मतलब दलित विरोध, सपा मतलब भ्रष्टाचार और जमीनों पर कब्जा करने वाली पार्टी। उन्होंने कहा, नगर निकाय चुनाव की तैयारी में पार्टी जुट गई है। निकाय चुनाव में भाजपा का परचम लहराएगा के बाद लोकसभा चुनाव के लिए भी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश में भाजपा की 80 सीटों पर विजय होगी। बाबा साहब वाहिनी बनाने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा, आज सपा की मजबूरी है कि वो भाजपा की छाया में अपना भविष्य तलाशने की कोशिश कर रही है। पहले वो मंदिर नहीं जाते थे, लेकिन अब मंदिर जा रहे हैं। पहले कुछ और करते थे, अब कुछ और कर रहे हैं। आज भाजपा की विचारधारा के अनुसार सबको चलने पर विवश होना पड़ रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर उन्होंने कहा कि वो कानून से ऊपर नहीं है, कानून के तहत ही कार्यवाही हुई है, इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि ये गलत हुआ है तो उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। नगर निगम के एक अधिकारी के खिलाफ विधायक द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत पर भ्रष्टाचार करने वाले की जांच होगी। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।